रोकना चाहेंगे। इस वक्त सहयोगी अनि अमृता का रुख करते हैं जमशेदपुर, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। अंजनी, इस वक्त आप स्वास्थ्य मंत्री के साथ मौजूद हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, मंत्री की है? क्या कुछ देखने निकले? पर्पस ये है कि कोई भी किराना की दुकान बंद नहीं होगी, कोई भी पीडीएस सिस्टम बंद नहीं होगा, कोई भी हमारा जो है दवाई दुकान बंद नहीं होगा, कोई भी आवश्यकता की चीज़ें हैं जैसे दूध है, पानी है, इस पर कोई व्यवधान नहीं है, रोक नहीं है। तो थोड़ा सा लोगों में एक गलत ये है कि भय का माहौल है, यहाँ भय का माहौल नहीं है, बल्कि यहाँ एक दूसरे के साथ हम लोग परस्पर सहयोग करके माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी भूखा ना रहे। इसकी चीज है बन्ना जी कि क्या हो रहा है कि 40 रुपया किलो आटा मिल रहा है, सरकार ने तय तो कर दिया, आपने बहुत अच्छा अनाउंस कर दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल में नहीं। अभी अभी आपको एक दो दिन में बहुत चीजों का सुधार आपको दिखेगा, बहुत चीजों का। कैसे है तो ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बता रहे थे कि जो प्रैक्टिकल जो ये नहीं हो रहा है वो सुधार आने वाले समय में दिखेगा, और ये मुआयना करने खुद निकले हैं, खुद साक्षी बाजार पहुंचे हैं, वो दुकानदारों से बात करेंगे, अगर कोई यहाँ व्यक्ति मिलता है तो वो बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। और ये जो गलत फहमी हो गई है कि जो जरूरी सामान है वो नहीं मिलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ये आवश्यक सेवाएं जो है वो बिल्कुल जारी रहेंगी, और यही बताने के लिए वो निकले हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी। जो स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि मुश्किलें हो रही हैं, दो तीन दिनों में सारी चीजें सब सॉल्व हो जाएगा। कई लोग इस दौरान भूखे रह जा रहे हैं, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं जिन तक पका हुआ खाना नहीं पहुंच पा रहा, जो रोड में रहने वाले लोग हैं, इस दिशा में सरकार की क्या कोई पहल आगे है? तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे सहयोगी अनि अमृता के साथ, उन्होंने कहा कि दो तीन दिनों में तमाम चीजें सुधर जाएंगी, जो कालाबाजारी की भी शिकायतें आ रही हैं उसे भी दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने हर चीजों का दाम तय कर लिया है और कालाबाजारी करने वाले भी बख्शे नहीं जाएंगे।